Good afternoon, everyone. आज मेरी क्लास थोड़ा सा लेट लगाई हुई थी कोई बात नहीं आपने तीन चार क्लासेस पढ़ ली हैं अकबर का टॉपिक हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री में और मैंने दो दिन लगातार आप लोगों को अकबर की लाइफ से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई थी और उम्मीद करती हूँ समझ में भी आ गई होंगी आज उनका मिक्सचर पढ़ेंगे निक्श का मतलब वो जो हमने सिस्टमेटिक तरीके से कहानी पढ़ी उसको फैक्ट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी फैक्ट्स याद रहेंगे टीचर भी पहले अपना ना जब हम पढ़ते थे हम पहले कॉन्सेप्ट को समझते थे फिर धीरे 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 करके फैक्ट्स हमें समझ में आने लगे। यही तुम्हारे साथ होगा। एक बार पढ़ के कभी चीजें नहीं समझ में आती एक बार पढ़ के लगता है कि चीजें बस सुन ली हैं, आधी याद रहेंगी हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ इसीलिए कहते हैं कि सिलेबस एक बार करने से क्लियर नहीं होता जब आप दो तीन बार चीजों को पढ़ते हैं समझते हैं ध्यान देते हैं मेहनत करते हैं तब चीजें आपको लगता है कि हाँ अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ मुझे ये चीजें आ गई अब कोई भी आपसे पूछे बाबर हुमायूं या आ, पुराना इतिहास तो आपको अगर आप एक बार डिटेल से पढ़ चुके हैं दूसरी बार आपने खुद अपने नोट्स को गो थ्रू किया तीन बार पढ़ा चार बार तो अब आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आता रहेगा कि हाँ अब मुझे आता है कोई मुझसे पूछे कि आ, अपने यहाँ पे हुमायूं किस युद्ध के बाद गायब हो गया था पंद्रह साल के लिए तो हमें पता है कि बिल में घुस गया था बिलग्राम का युद्ध था कोई पूछे शेरशाह सूरी का शेर खान की उपाधि किसने

जिसमें बताया कि बिल्कुल नॉर्मल है नेचुरल है आप एकदम से चीज को स्पीड से 70 परसेंट तो कहते हैं एक दिन में भूल जाता है इंसान जब पहली बार किसी चीज को पढ़ता और समझता है फिर धीरे धीरे करके जैसे 70 परसेंट में फिर 10 परसेंट टू परसेंट थ्री परसेंट कुछ हिस्सा बस दिमाग में रहता है जो एग्जाम में हम सोच रहे हैं यार पढ़ा हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा वो याद नहीं आ रहा इसलिए क्योंकि कभी कुछ पढ़ा था वो दिमाग में कहीं अटक गया लेकिन याद कब रहेगा जब लगातार आप उसको रिवाइज करते रहेंगे रिपीट करते रहेंगे ठीक है चलिए अकबर पढ़ना स्टार्ट करते हैं अकबर मैंने दो दिन पढ़ाया और दोनों दिन जो पढ़ाया वो कहानियां थी उन्हीं कहानियों को यहाँ देखो फैक्ट्स में दिखा दिया अब एक-एक लाइन है पढ़ते जाएंगे हमें ढंग से क्लियर होती जाएगी अकबर अकबर का जन्म 1542 में इनके पिताजी कौन थे इनके पिताजी थे हुमायूं और हुमायूं का प्रवास काल हम अच्छी तरह जानते हैं उनका प्रवास काल है कब से कब 1540 से 1555, 15 साल का प्रवास काल था यहाँ से चले गए थे एक्साइल पीरियड था इनका ये और इस दौरान ये भागते भागते देखो जब हारे थे ये शेरशाह बिलग्राम के युद्ध में कन्नौज बिलग्राम पढ़े थे ना ये सारे हमने आ, तो चौथा उससे पहले हुआ था 1539 में 1540 में हुआ था बिलग्राम वाला कन्नौज वाला इसके बाद कैसे देखो वो कच्छ के रण से होते हुए थार मरुस्थल क्रॉस करके फिर लाहौर के रास्ते सिंध ये क्रॉस करते पूरा पाकिस्तान लाहौर के रास्ते निकल गए थे ईरान अफगानिस्तान पूरा छोड़ा ईरान के शाह के यहाँ लेकिन उससे पहले लगभग डेढ़ साल भर ये रुके थे बीच में सिंध के अमरकोट राणा वीर साल के महल में उन्होंने इनको शरण दी थी और वो इंडियन मतलब हिंदू राजा था जिसके महल में अकबर का जन्म हुआ इन्होंने वहीं पे जो ये हुमायूं है ना वहीं अपने चार भाई थे हुमायूं वगैरह हुमायूं अः अस्कर और हिंदाल और कामरान तो उसी का एक भाई था उसका गुरु था कोई आध्यात्मिक गुरु उसकी बेटी से शादी की थी हुमायूं ने उस प्रवास काल के दौरान 1540 में तो यहाँ से गया था 41 में शादी और फिर अगले साल 1542 में इसके घर बेटे का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 सौ बयालीस को और ये जिससे उसने शादी की इस महिला का नाम है हमीदा बानू बेगम यानी अकबर की माँ का नाम है हमीदा बानू बेगम लेकिन उसकी जो हुमायूं की फेवरेट पत्नी थी ना क्योंकि तो बहुत बहुत सारी शादियां करते थे इसकी जो चीफ वाइफ थी जो सबसे इम्पोर्टेंट वाइफ थी जिसको पटरानी कहते थे तो वो इसकी पत्नी थी जिसने इसका मकबरा बाद में दिल्ली में बनवाया जिसका नाम था हाजी बेगम जिसका नाम था बेगा बेगम क्योंकि उसने हज की यात्रा की तो उसका नाम हाजी बेगम पड़ गया था वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था लेकिन अकबर का जन्म जिससे हुआ है वो है हमीदा बानू बेगम वो अलग महिला है चलिए तो क्या कह रहे हैं ये अकबर का जन्म 1542 में हुमायूं के प्रवास के दौरान जब ये गायब था यहां से अमरकोट अमरकोट क्या है एक ऐसा इलाका था जो मरुस्थल के बीच में पानी के आसपास होता है ना मरुद्यान ऐसा शहर था ये हिंदू राजा के पास था अमरकोट के राणा इसी को वीर साल कहते हैं यही वीर साल है नाम से आप भाप गए होंगे हिंदू राजा है वीर साल के महल में हुआ अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अकबर की माँ है लेकिन अकबर जो है उस पर ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो महाम अंगा का महाम अंगा ये नाम आपने सुना होगा ना महामंगा कहीं कहीं लिखा होता है महामंगा महामंगा एक ही महिला है ये एक आधा और कोई बिगाड़ के भी थोड़ा बहुत महमंगा भी लिख देते हैं ये वो महिला है जिसने पालन पोषण किया था अकबर का क्योंकि अकबर की मौत का हर टाइम डर लगा हुआ था हुमायूं को और ये दिखती बात थी कि कोई भी अकबर को आप मर्डर करवा देगा ताकि अगली पीढ़ी इनकी ना बढ़ पाए लायक जो बच्चे थे उनको भाई ये दिखता था ना कि हाँ ये चार छह साल में लायक बन गया फूत के पांव पालने में नजर आते हैं तो इसीलिए इन्होंने क्या किया अपने पास नहीं रखा अपने उस बेटे को बल्कि महाम अंगा ने उसको पाल पोस के बड़ा किया और इसी का बेटा था उसका हम उम्र जिसको बाद में फिर उसने सजाए मौत दी थी और सजाए मौत का भी क्या तरीका अपनाया था अकबर ने इन्होंने उसको और अपने बेटे को बराबर पाल के रखा एक जैसा परवरिश खाना पीना पहनना ओढ़ना सब एक जैसा लेकिन अकबर ने बाद में जब वो बड़ा हुआ तो इन्हीं के बेटे को मरवाया इससे ये मत सोचना कि अकबर ने गलत किया अकबर ने ऐसा इसीलिए लिए किया क्योंकि इनका बेटा चीट कर रहा था राज्य के साथ राज्य के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश कर रहा था और पैसे का बहुत बड़ा गबन किया था उसने तो इसने अकबर ने उसको सजा दी कि इसको ऊपर चोटी पे ले जाओ दीवार उस पर जो महल के ऊपर सबसे ऊंची दीवार है और वहां से नीचे पटको और अगर ये ना मरे तो दोबारा जैसे आधी चोट लग गई मरा नहीं तो पकड़ के दोबारा लाओ दोबारा तब तक पटकते रहो जब तक कि ऊपर से गिर के इसकी मौत ना हो जाए तो उसकी बेटे को वहां ले जाया गया महामंगा के को और ऊपर से नीचे नीचे फेंका गया। वो सैनिक गए, देखा तो अधमरा था, था। मरा नहीं दोबारा जैसे हाथ पैर की हड्डी टूट गई सिर में से खून निकल रहा है उसको खींचते हुए मतलब ऐसे सोचो खदेड़ते हुए कि हाथ पैर टूटे हुए आदमी बेहाल है निडाल है और उसको पकड़ के फिर ऊपर ले गए सीढ़ियों से जहाँ रास्ता था ऊपर ऊपर ले जाके फिर पटका तो इस चीजों के कारण कहते हैं बाद में महामंगा जो है आ, शोक में डूब गई और एक साल बाद जब इसका बेटा मारा गया ना उसके एक साल बाद ये भी स्वर्गवासी हो गई लेकिन स्टार्टिंग में चलती बहुत थी महल में आ, क्योंकि अकबर अनपढ़ था अकबर पढ़ा लिखा नहीं था कितनी अजीब बात है अकबर बहुत ज्यादा समझदार था अकबर इस बात को भांप गया कि इंडिया में अगर मुझे रहना है तो मुझे डाइवर्स कल्चर को अपनाना पड़ेगा और अगर मैं रिजिड होके कहूंगा कि नहीं सब कुछ इस्लाम के अनुसार तो मेरा लंबा राज्य टिकेगा नहीं जैसे मेरे दादाजी चार साल तो टिके मेरे पिताजी दस साल टिके हमेशा लड़ाई झगड़े मुझे अगर यहाँ राज करना है तो मुझे एक पीस का एक शांति का माहौल क्रिएट करना पड़ेगा और यही कारण है कि इसने हिंदुओं मुसलमानों पारसियों सबको इंपॉर्टेंस दी यहूदियों को सबको ईसाइयों को इसने इंडिया में डाइवर्सिटी को पहले समझा और फिर इसने उसके अकॉर्डिंग सही डिसीजन सही टाइम पे लिए तो ये पढ़ा लिखा तो नहीं था लेकिन यह समझदार था पढ़ाई लिखाई के लिए इसने काम किया इसने ढेरों किताबें अनुवाद करवाई इसको ये फील होता था कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन इसने कहा कि अगर मेरे पास पैसा है भाई रुतबा है शानो शौकत है रिसोर्सेज हैं तो क्यों ना मैं अगले पीढ़ियों के लिए कुछ किताबें अपनी फारसी में चेंज करा दूँ इससे पहले अगर हम देखें तो इंडिया में या तो आ, संस्कृत चलती थी इससे पहले या बौद्ध धर्म की पाली और प्राकृत चलती थी बौद्ध और जैन की अभी इंडिया में तुर्की भाषा में याद करो आ, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजू के बाबरी जिसको बाबर नामा कहते हैं वो तुर्की में थी उसके बाद तुर्की जो भाषा थी ना ये धीरे 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 डिक्लाइनिंग मोड पे आ गई और अकबर ने तुर्की का यूज नहीं किया अकबर ने अपने राजकाज की भाषा में फारसी का यूज करवाया फारसी पेपर में आ जाएगा कहीं लिखा होगा तुर्की कहीं संस्कृत कहीं फारसी कहीं अवधि लिख देंगे और कहेंगे अकबर के शासनकाल में कौन सी राजकाज की भाषा थी तो मेन भाषा क्या टिक करोगे फारसी तुर्की इसके दादा के टाइम में थी तभी तुर्की में बाबरनामा की रचना हुई तो इसने क्या किया जितनी अच्छी अच्छी किताबें थी चाहे वो तुर्की में थी या किसी और भाषा में थी या संस्कृत में थी इनफैक्ट महाभारत जैसियों का भी पंचतंत्र का भी इसने अनुवाद करवाया कि फारसी में लिखो इन सबको दोबारा लिखो इसने अपने दादा की जो आत्मकथा थी ना तुजू के बाबरी उसको भी पढ़वाया और उसको ट्रांसलेट करवाया फारसी में और जो ये अबुल फजल नाम सुना अबुल फजल फैजी बताए भी थे तुम्हें ये दो सगे भाई थे चार पांच साल का इनमें अंतर था ये इसी के दरबार में थे इसने उसका अनुवाद किया तो इसने फारसी को इतना कॉमन मैन तक पहुंचाने के लिए अपने राजकाज में सारी पुरानी किताबें जो बढ़िया थी ना उनको ट्रांसलेट करा दिया हर एक को को इसने ही महाभारत करो में, में तो तो बेचारा इसलिए कह रही हूं क्योंकि बचपन अच्छा नहीं था लेकिन बाद में बहुत डेवलपमेंट बहुत किया मां का नाम हमीदा बानो बेगम अकबर के बचपन का नाम जलाल था तभी जलालुद्दीन अकबर इसको कहा जाता है जलालुद्दीन अकबर नेक्स्ट है अकबर का राज्याभिषेक पंद्रह सौ छप्पन में कलानौर में हुआ क्यों क्योंकि इसके पिताजी की डेथ हो गई थी सीढ़ियों से लुढ़क कर जब वो लाइब्रेरी में अपनी किताबें लेके दोनों हाथों में नीचे की तरफ उतर रहे थे अचानक से अजान सुनाई पड़ी और अजान सुनते ही वो तुरंत से घुटनों के बल बैठ जाया करते थे दोनों हाथों में भारी भरकम किताबें इतना वो भारी भरकम सा उनका पहनावा जैसे ही मुड़ने लगे घुटनों से एकदम से वो उसमें पैर अटक गया अपने कपड़ों में और नीचे गिरते हुए कोई सहारा पकड़ नहीं पाए माथे में वो चोट लगी ऑन द स्पॉट दो दिन बाद ऑन द स्पॉट तो नहीं दो दिन बाद आ, इनकी डेथ हो गई तो आनंद फानन में इसका राज्यभिषेक किया गया कलानौर में क्योंकि तब ये था ना कि पता नहीं अब कौन अटैक कर देगा 1560 तक अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया ये बैरम खां कौन है ये ईरान के शाह केस ने जब सेना भेजी थी याद करो तब बैरम खां भी आया था बैरम खां एक अच्छा आदमी रहा होगा तभी इसने चार साल अकबर का साथ दिया अगर चाहता तो अकबर का मर्डर करके और अपने आप राजा बन जाता इसका भी तो बेटा था अब्दुल रहीम खाने खाना इसी का बेटा था चाहता कि मैं राज करूंगा अकबर का मर्डर करना इसके लिए मुश्किल नहीं था और खुद बन जाता बादशाह प्रॉपर्टी तो एज इट इज मिल जाती और अपने बेटे को बना लेता अगला राजा लेकिन इसने ऐसा नहीं किया इसने चीटिंग नहीं की लॉयल आदमी था इसके अंदर ईमानदारी ये सब चीजें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में शासन किया बैरम खान इसको ये खानी बाबा कहता था खानी बाबा खान से खानी बाबा को वकील नियुक्त किया गया 1561 में बैरम खान की मृत्यु चार साल अकबर को लगातार जो स्टैंड बनाने का मौका मिला ना वो बैरम खां के कारण मिला अगर बैरम खां, इसके साथ ना होता तो, तो संरक्षक तो की हिम्मत नहीं पड़ी आस के किसी राजा की कि वो इसके खिलाफ आ सके और आए पानीपत का दूसरा युद्ध देख लो हेमू विक्रमादित्य हेमू का जो सर काट दिया था वो इन्होंने तो काट दिया था बैरम खां ने यह अकेला नहीं ऐसे ढेर एग्जाम्पल है तो चार सालों में जो एक साम्राज्य खड़ा कर दिया अकबर के नाम से वो बैरम खाने खड़ा कर दिया लेकिन बाद में इस बैरम खान से चिड़ने लगी हमीदा बानो बेगम जो कि किसकी माँ है अकबर की और माहम अंगा जो कि इसकी दाई माँ है जिसने इसको पाल पोस के बड़ा किया है अभी उसका बेटा नहीं मारा गया वो बाद में मारा गया था इन लोगों ने ना धीरे धीरे करके इसके कान भरने शुरू किए कि भाई बेटा तू बड़ा हो गया जवान हो गया तेरा तो चलता ही नहीं मन मर्जी के हिसाब से काम सारा काम जैसा चाहता है ये करता है और ये गलत है तो इसके मन में एक थोड़ी खटास पैदा कर दी गई कहते हैं ना कान भरने अगर शुरू इंसान उनको सुनने लगे तो वो कोई भी रास्ता पकड़ सकता है तो अकबर धीरे धीरे वो कान भरने लगे वो लोग और अकबर धीरे धीरे मन में ये आ गया अकबर के में कि ये खान, खानी बाबा अच्छे नहीं है और ये मुझे मेरी मर्जी करने नहीं देते जब ये अट्ठारह साल का हुआ तो इसने कहा बहुत हो गई आपने बहुत केयर की अब आप एक काम करो हज यात्रा पे निकल जाओ मक्का मदीना आप घूम क्योंकि इनके धर्म में मक्का मदीना की यात्रा को तीर्थ के रूप में देखा जाता है तो वहां से वो चल पड़े अब कहीं लिखा है कि इसी ने मरवा दिया कहीं लिखा है कि नहीं शेर सूरी जो था ना सूर वंश वाला उनका कोई बचा हुआ था कोई आदमी जो कि इनसे चिड़ता था उसने मार दिया तरह तरह की घटनाएं हैं कोई एग्जैक्ट कोई लड़ाई तो हुई नहीं कि इसके बारे में वर्णन लिखित में हो लेकिन हाँ फिफ्टीन में वो यहाँ से गए थे और फिफ्टीन में गुजरात में पाटन नाम की जगह पे उनकी डेड बॉडी मिली थी ठीक है तो इनका कैरेक्टर यहीं तक था इसके साथ बैरम खान की पत्नी जो थी ना उससे मतलब होता है किंग ऑफ द किंग्स मतलब राजाओं का राजा जिसको महाराजा धीराज टाइप बोलते थे तो राजाओं का राजा या किंग ऑफ द किंग्स या जो मैं बोल रही हूँ खान एक खाना ये उपाधि एक्चुअल में हुमायूं ने दी थी बैरम खां को क्योंकि उसी के साथ आया था ये लेकिन बाद में इनके बेटे के नाम में फेमस हुआ है अब्दुल रहीम खान खाना किसका बेटा है वो बैरम खां का वो नवरत्नों में शामिल है किसके नवरत्नों में अकबर यानी इनके जाने के बाद इनकी आ, पत्नी और इनके बेटे की केयर टेकिंग का जिम्मा अकबर ने लिया इनकी पत्नी से शादी की ताकि ये ना हो कि भाई इसका हस्बैंड नहीं है तो वो आ, ये लगा लो बादशाह की पत्नी हो गई ना क्योंकि बादशाह तो बहुत सारी शादियां करते थे और दूसरा इनका बेटा जिसको उन्होंने अपने खास नौ आदमियों में शामिल किया नवरत्नों में तो क्या नाम था उसका अब्दुल रहीम खाने खाना ये ध्यान रखना अगर ये उनसे इतना चिढ़ता तो उनका सोचो उनके बीवी बेटे को भगा देता कि तुम भागो यहां से लेकिन इसने उन उनको कहा कि आप चले जाओ यात्रा पे और इन दोनों की जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा इज्जत रखी भाई उसकी पत्नी की भी और उसके बेटे की भी आगे देखें तो 1561 में इसकी मृत्यु हो गई पर बैठते ही अकबर ने बैरम खां की सहायता से जब बैठा था हम वापस जा रहे हैं इकसठ से पहले जब बैठा था छप्पन में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया ये हेमचंद्र विक्रमादित्य कौन है ये हेमचंद्र विक्रमादित्य कायदे से तो ये एक आ, ये है अपना व्यापारी है बाईस लड़ाइया प्रधानमंत्री था ये पहले और बाईस की बाईस लड़ाइया जीता फिर इसको लगा कि दिल्ली संभालने वाला कोई है नहीं दो महीने का राजा बना था बस ये नाम क्या रखा हेमू तो हेमचंद्र से हेमू और विक्रमादित्य हमारे हिंदू राजा याद है पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे तो ये अंतिम विक्रमादित्य सुनाई दिया इसके बाद कोई विक्रमादित्य नहीं सुनाई दिया हेमचंद्र विक्रमादित्य पंद्रह तीर आंख में लगा और मारा गया पंद्रह से 60 तक अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में रहा 60 से बासठ तक हरम दल के संरक्षण में हरम मतलब महिलाओं का जो रह, जहां वो रहती थी ना जैसे राजा राजा क्या करते थे बड़े बड़े महल बनाते उसमें एक पोर्शन रखते जिसमें वो अपने सलाह मशवरे करेंगे डिस्कशंस करेंगे अपने खास आदमियों के साथ एक पोर्शन बनाते जहां आम जनता के दुखड़े सुनेंगे तब ऐसा होता था जनता अपने दुखड़े सुनाती एक पोर्शन रखते जहां राजा शाही आराम करेगा कि भाई उसका अपना बेडरूम होगा और उसी के हिसाब से हमाम जहाँ उन नहाएगा इस तरह की चीजें और एक होता था हरमदल हरमदल मतलब बहुत सारी शादियां करते थे इनके पिताजी की भी ढेर पत्नियां थी फिर उनके ढेर बच्चे थे तो महिलाओं का बेसिक जनान खाना बोल देते हैं बहुत बड़ा जनान खाना ये था हरम दल तो स्टार्टिंग में चार साल तो ये बैरम खां की बात मानता रहा फिर इसके दिमाग पे छाई रही इसकी माँ और वो जो धाई माँ जिसने इसको पाल पोस के बड़ा किया माहम अंगा तो वो जो दो साल का शासन था ना वो पेटीकोट साम्राज्य देखो लिखा है पेटीकोट साम्राज्य क्योंकि पेटीकोट महिलाओं के वस्त्र से संबंधित है कि इसने अपनी माँ के अकॉर्डिंग सारा काम किया जैसा उसने कहा उनका कोई एक्सपीरियंस था नहीं तो कुछ गलत डिसीजन भी लिए गए पेटीकोट साम्राज्य साठ से बासठ तक हरम दल के संरक्षण में हरम समझ में आ गया महिलाएं जहां रहती थी वो हरम दल कहलाता था महिलाओं का स्थान जहां उसकी बीवियां भी होंगी बेटियां भी उसकी मां भी औरत से जुड़ी जो जगह है उसको हरमदल कहते थे जनान खाना फिफ्टीन में अकबर ने बैरम खां के संरक्षण से जब ये मुक्त हुआ अपना पहला सैन्य अभियान चार साल तो ये उसके अंडर रहा जितने अभियान चलाए लेकिन अब ये इंडिपेंडेंटली पहली बार लड़ने गया अकेला बिना बैरम खां के अपनी सेना के साथ तो पहला सैन्य अभियान ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पहली बार कौन सा था पूछेंगे जब इंडिपेंडेंट पहला सैन्य अभियान था तो किसके खिलाफ था मालवा के शासक थे बाज बहादुर बाज बहादुर जिनकी पत्नी थी रूपवती कहते हैं बहुत सुंदर वाइफ थी इसकी रूपवती तो ये बाज बहादुर जो है ना पहला राजा इंडिपेंडेंटली जिससे मालवा का राजा है ये और देखो मालवा आज नहीं मालवा मध्यकाल में उससे पहले प्राचीन काल में देखो याद करो हर्षवर्धन मालवा का शासक था फिर कन्नौज ये सब मैंने आपको सुनाया हुआ है सारा बंगाल पूरा इलाका याद है ना बीच का मध्य भारत का मालवा मतलब आज का एमपी के आसपास यूपी के आसपास का इलाका तो यहाँ का एक राजा था जिसका नाम क्या था बाज बहादुर तो पहली बार इंडिपेंडेंटली बहादुर को हराया बाज बहादुर को और कहते हैं लड़ाई मजाक थी एक घंटे में लड़ाई निपट गई थी ये कि भाई एक छोट कुछ था ही नहीं घंटे भर में क्लियर हो गया कि ये राजा जीतेगा तो ये बाज बहादुर याद रखना इंडिपेंडेंट पहला अभियान है किसके बिना जो उसके संरक्षक थे कौन बैरम खांसठ में ही बैरम खां का मर्डर हुआ था गुजरात में में पाटन या पोतन नाम की जगह पर और यही ही बाज बहादुर को इंडिपेंडेंटली हराया था अकबर ने साठ तक तो उसके ऊपर बैरम खां हावी रहे थे और साठ से बासठ उनकी माँ या पत्नियां जिसको हम कहते हैं पेटीकोट साम्राज्य इकसठ में पहला इंडिपेंडेंट अभियान इसने चलाया क्योंकि माँ वहां थोड़ी लड़ने जाएगी जो किस राजा के खिलाफ है मालवा के राजा बाज बहादुर नेक्स्ट देखो अकबर के समय में उज़बेगों, उजबेगों का आ, ये हुआ विद्रोह मिर्जाओं का और यूसुफ जाइयों का उज़बेग भी एक कम्युनिटी है उज़बेग, उज़बेग एक कम्युनिटी है मिर्जा भी कम्युनिटी है यूसुफ जाई ये सब आपने सुने हुए हिस्ट्री में इन सब ने विरोध किया कहीं विद्रोह कर देते कभी उज्बेग कभी यूसुफ जाई और कभी ये मिर्जा तो अलग अलग जगह विद्रोह विद्रोह को दबाने जाना पड़ता गुजरात अभियान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गुजरात अभियान आप अच्छी तरह जानते हैं गुजरात इंडिया का वो स्टेट है जिसकी सीमा पानी से सबसे ज्यादा टच करती है लंबी सीमा सबसे लंबी कोस्टलाइन इंडिया में अगर किसी स्टेट की है तो वो है गुजरात नौ ही राज्य तो पानी को टच करते हैं इनमें सबसे लंबी तटरेखा किसकी है गुजरात की ठीक है अब इस गुजरात में जब ये गया विजय करने यहाँ के राजा को जीतने इस प्रॉपर्टी को अपना बनाने तो यहां पे जाते ही उसको पानी के दर्शन हुए और यहीं पे उसको विदेशी मिले थे पुर्तगाली तो खुशी हुई जीत भी गया विदेशी भी मिल गए और पानी के दर्शन भी हो गए इसीलिए गुजरात अभियान में विजय प्राप्त करके जब ये वापस आया तो इसने बुलंद दरवाजा बनवाया था कहाँ पर आगरा से 36 किलोमीटर दूर एक शहर बसाया गया था फतेहपुर सीकरी जो बाद में इसकी राजधानी भी बनी थी इसकी पहली राजधानी थी आगरा फिर इसने फतेहपुर सीकरी ट्रांसफर की और आ, ये लगा लो मरने से लगभग बीस साल पहले पंद्रह में इसने राजधानी लाहौर में ट्रांसफर की तो तीन राजधानी है इसकी मेन कौन कौन सी आगरा फतेहपुर सीकरी और लाहौर ये इसके मेन इलाके थे क्या कहते हैं आगे गुजरात अभियान के दौरान अकबर सबसे पहले पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सबसे पहले समुद्र को देखा तो दो बड़ी तीन अचीवमेंट हो गई ना गुजरात जीत भी लिया विदेशियों से भी मिल लिया और पानी के दर्शन तो खुशी खुशी में क्या बनवाएगा ये ये बनवाएगा फतेहपुर सीकरी में बहुत बड़ा बुलंद दरवाजा अगला लिखा है हल्दी घाटी की लड़ाई मैंने महाराणा प्रताप के ऊपर एक क्लास ली थी स्पेशल उसमें ये सब बताया था डिटेल से यहाँ सिर्फ शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि उतना डिटेल नहीं आएगा लेकिन पता होना चाहिए हल्दी घाटी की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जिसमें राजपूत राजा राणा सांगा ये महाराणा प्रताप राणा सांगा तो इसके दादाजी थे इसके दादा दोनों के दादा अकबर के दादा कौन बाबर और राणा सांगा किसके दादा महाराणा प्रताप के दोनों के दादा लड़े और अब दोनों पोते लड़े तब राणा सांगा और बाबर लड़े थे राणा सांगा हार गए थे अब अकबर और ये महाराणा प्रताप लड़ेंगे तब भी अकबर जीतेगा महाराणा प्रताप हार जाएंगे ठीक है क्या कह रहे हैं देखो 1576 में हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में ये पूछेंगे एग्जाम में इसका सन भी इसकी जगह भी इसकी राजधानी भी बदली थी पंद्रह सो छत्तर हल्दी घाटी अकबर के राजा अकबर खुद थोड़ी जाएंगे हर लड़ाई में अब अकबर को तो साल में दस लड़ाई लड़नी है तो हर जगह खुद थोड़ी जाएंगे इसीलिए तो ये नवरत्न और सेनापति और ताकतवर आदमी अपने साथ रखते थे ताकि जहां कहीं दिक्कत हो तो वो ताकतवर आदमी चला जाए एक आदमी कितनी सारी चीजें संभालेगा आज भी तो ऐसा ही है आज आप देखो पीएम थोड़ी हर चीज के नौकरी पेशेंट पे जाता है पीएम तो एक आदमी है अगर सौ जगह का बुलावा है तो एक जगह पीएम जाएगा निन्यानवे जगह है कहीं मंत्री चले गए कहीं डिफेंस मिनिस्टर चले गए कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर अलग अलग देखा है ना आपने कहीं शिक्षा मंत्री चले गए इसी तरह ये करते थे हर जगह हर लड़ाई में ये नहीं जाते थे नाम इनका होता था लेकिन इनके खास सेनापति उस लड़ाई को संभालने जाते थे तो क्या कह रहे हैं मानसिंह ये मानसिंह कौन है ये मानसिंह भी एक बड़ा राजा है बहुत बड़ा राजा और ये भी राजपूत राजा है अब ये मानसिंह जो है ना ये क्यों लड़ने जा रहे हैं क्योंकि मान सिंह पहले इंडिपेंडेंट राजा थे लेकिन इनके पूर्वज जो थे उन लोगों ने अकबर के साथ बातचीत करके और कि ठीक है भाई तुम हमारे साथ हमारे ऊपर अटैक मत करना एक चीज चलो यही बता देती हूँ वैसे वो आगे पॉइंट में आएगी अकबर बहुत चालाक आदमी था चालाक भी कह लो समझदार भी कह लो देखो अगर राजा बन के रहना है ना लीड लेनी है आपको नंबर वन बनना है तो आपको कहीं कहीं चालाकी से भी काम लेना पड़ता है इतना बड़ा देश है यहां अगर आप बहुत ज्यादा लीनियंट रहेंगे ना तो आप देश को कभी एक कर ही नहीं पाएंगे अगर सरदार पटेल स्ट्रिक्ट ना होते तो क्या देशी रियासतों का एकीकरण कर पाते कभी भी नहीं ये जरूरी है इस विविधताओं से भरे देश में कि अगर आप कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेके देश को एक बना सके तो आप वो डिसीजन लीजिए ऐसा अकबर ने भी किया अकबर ने क्या किया इसकी समझ में एक बात आई कि इंडिया बहुत डाइवर्स है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं यहां पे इस्लाम धर्म को थोप दू वरना जनता मेरे अपोजिशन में आ जाएगी तो इसने पहली चीज देखी यहां की डाइवर्सिटी को यहां की विभिन्नता को पहचाना जाए क्योंकि मुझे यहाँ टिकना है मेरे बाप दादा लंबे नहीं टिके इसके दादाजी चार साल बाद तो मर गए थे और इसके पिताजी तो डोलते डोलते ही मर गए कभी इधर कभी उधर लुढ़कते लुढ़कते चल बसे लेकिन मुझे यहाँ टिकना है तो पहली चीज तो समझ डेवलप होनी चाहिए इंडिया में दिक्कत क्या थी विभिन्नता बहुत ज्यादा है यहाँ हिंदू भी हैं इस्लाम धर्म को मानने वाले भी हैं यहाँ जैसे ये अलग अलग उज्बेग और यूसुफ जाई ये भी तो यहीं थोड़े थोड़े बस गए थे मंगोल पीछे आ गए थे कोई याद करो नवीन मुसलमान वगैरह यानी यहाँ ना बहुत डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा इन सबके मन में ये डालना कि हमारा राजा एक है बड़ा मुश्किल काम था तो इसने बहुत समझदारी से विभिन्नता में एकता को समझा और ये एक ऐसा बड़ा प्रतापी राजा है जो हिंदुओं के त्योहारों में भी या अलग अलग कल्चर्स के जो लोग थे वो इसको इनवाइट करते तो वहां जाता था ये ऐसा नहीं कि वहां जाता नहीं था कि नहीं बस इस्लाम जो कुछ मूर्ख थे वो तो थे कट्टर ये ऐसा कट्टर बिल्कुल नहीं था इसने गलत को गलत कहा और सही को सही कहा इसकी अप्रोच स्टार्टिंग में इसने कुछ गड़बड़ियां की यह धर्मांध था लेकिन टाइम बीतते बीतते मेचोरिटी आती गई और इसकी वो धर्मांधता धीरे धीरे करके पीछे छूट गई लास्ट में जाके धर्मांध नहीं था अपने 40 साल की उम्र में इसने धर्म चला दिया था कहा था सब धर्म बराबर है मन करे मेरा मान लो मन करे जिसको मानना चाहो मान लो ये स्टार्टिंग में कुछ साल गड़बड़ी के थे जो कि इतिहास में कई लोग कहते हैं कि महान नहीं था महान नहीं था उन सालों को देखें लेकिन फाइनली देखें तो इसने ये समझ लिया था क्योंकि अगर इंडिया में किसी को लंबा टिकना है तो उसे हर धर्म का ध्यान रखना पड़ेगा यहां डाइवर्सिटी है तो विभिन्नता में एकता का ध्यान रखा ये सब धर्मों के लोगों को धीरे धीरे करके समझ गया कि बराबरी देनी पड़ेगी दूसरा इस ने वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई तो मैं याद है हम लोग हिस्ट्री पढ़ते थे प्राचीन भारत तो भी हम पढ़ते थे कि वैवाहिक संबंध बहुत मैटर करते थे और याद करो जब हमारे महाजनपद थे मगध वैशाली और अंग कौशल इनमें भी तो ये आपसी संबंध शादियों के रखते थे ताकि डर खत्म हो जाए अटैक का इसने यही किया अकबर ने हिंदू राजपूत राजाओं के साथ भी वैवाहिक संबंधों की पेशकश की जिसमें कि देखो आमेर के राजा ने अपनी बेटी की शादी भारमल नाम सुना होगा है ना आमेर के भारमल राजा ने वो सबसे पहला राजपूत था जिसने अपनी बेटी की शादी आ, अकबर से की ताकि भाई अकबर के घर अगर हमारी बेटी चली गई तो अकबर के मन में भी डर नहीं रहेगा कि हम इसके ऊपर अटैक करेंगे और ना ही हमारे मन में डर है क्योंकि अब ये हमारी रिश्तेदारी में है तो वैवाहिक संबंधों का इसने सहारा लिया और वैवाहिक संबंधों में अच्छा मैंने पहचाना नहीं अच्छा 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 कौन स्टूडेंट है आप स्टूडेंट है हमारी ठीक yes. मोटी हो गई इसलिए शायद मैं पहचान नहीं पाई तुम्हें yes. अब फिर yes. अच्छा अच्छा yes. अच्छा yes. अच्छा कोई बात नहीं बहुत अच्छी बात है तुम सेलेक्ट हो गई यही बहुत बड़ी बात है किस डिपार्टमेंट में हो ई yes. एस आई में अच्छा ई एस आई सी जो डिस्पेंसरी चलाते हैं चलिए बहुत बढ़िया तुम इनके हस्बैंड है ये अच्छा कहाँ से आए हो भैंसवाल से हाँ 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 तभी तभी मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ ठीक 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 चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ओके चलिए एक अपनी पुरानी स्टूडेंट आ गई थी बीच में मिलने के लिए ई में इसकी ज्वाइनिंग होगी लेकिन अभी कह रही है कि मैम बेटी है उसकी बहुत छोटी अभी मिल नहीं पाएगी चलो बाद में कभी मिलवाएंगे अच्छा लगता है जब अपने बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं तो बहुत खुशी होती है हमें भी कि जब बच्चे कहीं लग जाते हैं अब जैसे एक जॉब मिल गई है जॉब मिलते ही आपकी लाइफ लॉन्ग की एक टेंशन खत्म हो गई है चलिए आगे बढ़ेंगे तो हमने क्या देखा विभिन्नता में एकता है वैवाहिक संबंध ये इसके तरीके थे चालाकी कह लो समझदारी कह लो कि भाई इंडिया में समझना कि मुझे सबको साथ लेके चलना है तो इसने वैवाहिक संबंधों Uh, का मैंने एग्जाम्पल दिया ना आपको भारमल की पुत्री भारमल की पुत्री थी जिससे इसने शादी की थी तो भारमल की पुत्री जो ना ना जोधाबाई अब कहीं कहीं वो जोधबाई लिखा है ये एक नाम के ढेर कैरेक्टर मिल सकते हैं आपको हिस्ट्री में तो जोधाबाई के नाम पर ही एक जोधाबाई महल भी है फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था और कहते हैं कि वो मैंने देखा भी है वो uh, हिंदू धर्म की पूरी आस्था आपको उसमें दिखाई देगी और आज भी जोधाबाई महल में मैं थोड़ा आपको ना ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको भी याद रह जाए देखो क्या है एक हल्का सा आइडिया दे देती हूँ ये मान लीजिए फतेहपुर सीकरी का पूरा एरिया है फतेहपुर सीकरी बहुत सुंदर वसाया हुआ शहर है बहुत ही सुंदर ये मान लो इस तरह का इसके अंदर पूरा शहर था पूरा राजा का महल और सब कुछ था इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। वो बिल्डिंग्स का मतलब पुराने टाइम में जहां राजा महाराजा रहते होंगे इस तरह का यहां एक बहुत सबसे बड़ा मान लो बाकी सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा सा महल है इसी को कहते हैं ये रानी जोधाबाई के लिए स्पेशल बनाया था जोधाबाई का फतेहपुर सीकरी में और इन्होंने जोधाबाई